एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। इस वीडियो में मैं आपको मार्कोवनिकोव्स रूल की ट्रिक बताऊंगी। तो मार्कोवनिकोव्स रूल जो है ये एल्कीन्स के ऊपर लगता है, मींस जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, प्लस इसमें हम HX डालते हैं मींस हाइड्रोजन हैलाइड, और एक जगह पर H जुड़ जाता है और एक जगह पर X जुड़ जाता है, तो हमें क्या मिल जाता है, एल्काइल हैलाइड। इस तरीके से हम ये एडिशन कराते हैं। तो पहला पॉइंट हो गया, ये सिर्फ एल्कीन्स के लिए होता है एंड एल्कीन्स भी अनसिमेट्रिकल होने चाहिए। ये रूल सिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए नहीं है। जैसे कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो कार्बन के साथ में दो हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ में भी दो हाइड्रोजन, और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये एक एल्कीन है और दोनों तरफ दो दो हाइड्रोजन है, तो ये है एक सिमेट्रिकल एल्कीन। यानी कि दोनों डबली बॉन्डेड कार्बन के पास में सेम ग्रुप्स हैं, दोनों हाइड्रोजन हाइड्रोजन हैं, लेकिन अगर एक के पास में CH3 है, H है, डबल बॉन्ड और दोनों हाइड्रोजन हैं, तो ये है अनसिमेट्रिकल एल्कीन। यानी एक कार्बन के पास में दो हाइड्रोजन है और एक कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन और एक CH3 है, तो ये होता है अनसिमेट्रिकल। तो ये सिमेट्रिकल एल्कीन्स के लिए क्यों नहीं है, क्योंकि अगर हम सिमेट्रिकल एल्कीन लेंगे, ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, और अगर हम इसमें डालेंगे हाइड्रोजन हैलाइड मींस HX, तो हम यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दें और यहाँ पर X लगा दें, तो हमें मिलेगा CH3 और CH2X, या फिर हम X को यहाँ पर लगा दें और हाइड्रोजन को हम यहाँ पर लगा दें, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा CH2X और ये बन जाएगा CH3। तो हमको सेम ही चीज़ मिल रही है, यहाँ पर भी हमें मिल रहा है CH3CH2X और यहाँ पर भी CH3CH2X। सेम कैसे मिल रहा है, क्योंकि जब हम ये IUPAC नेम देखते हैं तो वो हमारे को सेम दिखते हैं। तो अगर IUPAC नेम सेम आ रहा है तो यानी कि जो कंपाउंड है वो दोनों सेम ही हैं, तो हम दोनों को कहीं पर भी लगा देंगे तो हमको सेम ही चीज़ मिलेगी। लेकिन अगर हम अनसिमेट्रिकल लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल तो यहाँ पर हमारे पास में है CH3 कार्बन हाइड्रोजन कार्बन डबल बॉन्ड HH, तो यहाँ पर इस कार्बन के पास में एक हाइड्रोजन है, इसके पास में दो हाइड्रोजन है, तो अगर हम मार्कोवनिकोव्स रूल लगाते हैं तो हमारा हाइड्रोजन कहाँ जाना चाहिए, इस कार्बन के पास में, और X जाना चाहिए इस कार्बन के पास में, तो हमें मिल जाता है CH3 और यहाँ पर आएगा हमारा X, यहाँ पर आएगा सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर आएगा H और ये वाला H एज इट इज, तो हमारे पास में X यहाँ पर आ गया और ये वाला H यहाँ पर आ गया, तो हमारे पास में जो कंपाउंड है वो डिफरेंट आएगा। और अगर हम X को यहाँ पर लगा देते हैं और H यहाँ पर लगा देते हैं तो हमारे पास कंपाउंड डिफरेंट आएगा। तो इसलिए हम सिमेट्रिकल पे नहीं लगाते हैं रूल, हमेशा हम अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स के ऊपर ही ये रूल लगाते हैं। और जो हम HX डाल रहे हैं इसमें हमारा जो X है ये कुछ भी हो सकता है, मींस फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। तो हमारा HI भी हो सकता है, HBr भी हो सकता है, HCl भी हो सकता है और HFP, लेकिन हमें जो मेजरली देखने के लिए मिलता है वो कौन से हैं, HCl और HBr, क्योंकि HI की रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, सबसे कम HF की रिएक्टिविटी है, क्योंकि HI बॉन्ड जो है वो इतना वीक हो जाता है कि उसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा हो जाती है, और HF बॉन्ड इतना स्ट्रांग है कि उसकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। तो जो सूटेबल है वो है HCl और HBr, क्योंकि इन दोनों के बीच में आ रहे हैं, और एंटी मार्कोवनिकोव में हम हमेशा HBr वाला पढ़ते हैं, तो मार्कोवनिकोव्स में आपको कुछ भी दिया हो सकता है, तो आपको सिंपली HX को ऐड करना है। तो अब मैं आपको मार्कोवनिकोव्स रूल की ट्रिक बताती हूँ कि आप आसानी से HX को कैसे ऐड कर सकते हैं एल्कीन में। सपोज अगर आपके पास में क्वेश्चन है CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2
इसमें आपको ऐड करना है HCl। तो सिंपली आपको क्या करना है, हाइड्रोजन को भेजना है उस कार्बन के पास जिसके पास पहले से ही ज़्यादा हाइड्रोजन है, और क्लोरीन को भेजना है उस कार्बन के पास जिसके पास कम हाइड्रोजन है। तो ये बनेगा CH3, CH2, CH, Cl और CH3। तो ये हो गया आपका आंसर। तो इसमें आपको ऐड करते हुए याद क्या रखना है, इसमें आपको याद रखना है रिचर विल गेट रिचर एंड पुअर विल गेट पुअर। आपको बस यही चीज याद रखनी है, रिचर विल गेट रिचर एंड पुअर विल गेट पुअर। जो अमीर है वो और अमीर हो जाएगा और जो गरीब है वो और गरीब हो जाएगा। तो जो अमीर है जिसके पास में पहले से ही ज़्यादा हाइड्रोजन है उसी के पास में और हाइड्रोजन आएंगी, और जो गरीब है जिसके पास में पहले से ही कम हाइड्रोजन है उसके पास में Cl जाएगा, उसके पास में हाइड्रोजन नहीं जाएगी। तो जिसके पास में पहले से ही ज़्यादा हाइड्रोजन है उसी के पास में हाइड्रोजन जानी है और दूसरे के पास में Cl। तो आपको सिर्फ यही अप्लाई करना है, रिचर विल गेट रिचर एंड पुअर विल गेट पुअर। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपको ये एग्जाम्पल दिया है एंड इसमें आपको ऐड करना है HBr, जैसे मैंने बताया यहाँ पर आपको कुछ भी गिवन हो सकता है, आपको सिर्फ मान के चलना है HX है और आपको HX को ही ऐड करना है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कहाँ पर आपको H भेजना है और कहाँ पर Br भेजना है। तो रिचर विल गेट रिचर एंड पुअर विल गेट पुअर। तो जिसके पास में पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है उसी के पास में आप हाइड्रोजन भेज दो, और जिसके पास में कम हाइड्रोजन है उसके पास में आप Br भेज दो। लेकिन हम दूसरे पार्ट को हम नहीं देखेंगे, हम सिर्फ किसे देखेंगे, एल्कीन पार्ट को, क्योंकि मार्कोवनिकोव्स रूल किस में लगता है, एल्कीन में, यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में। सिर्फ उसके आगे पीछे क्या लगा हुआ है उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। तो इस बेंजीन रिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ किस पे ध्यान देना है, जहां हमारा डबल बॉन्ड है। तो डबल बॉन्ड की यहाँ पे कार्बन मान लो, यहाँ पर भी कार्बन मान लो। तो अब देखो इस कार्बन से एक तो ये ग्रुप जुड़ा हुआ है और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन। तो ज़्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, इस वाले के पास। तो जो पहले से ही अमीर है उसको और अमीर बना दो। तो ये क्या बनेगा, ये हो गया CH3, यहाँ पर क्या था, डबल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन इसके पास पहले से ही था। तो अब ये डबल बॉन्ड हट जाएगा तो यहाँ पर क्या लगेगा, Br, और यहाँ पर ये फिर से बेंजीन रिंग। तो आप इस प्रोडक्ट को ठीक से बना सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगी बेंजीन रिंग, यहाँ पर हमारा कार्बन है, इससे हाइड्रोजन, Br यहाँ से जुड़ गया सिंगल बॉन्ड, और तीन यहाँ पर हो गए हाइड्रोजन। तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। सिर्फ डबल बॉन्डेड कार्बन को देखना है और उसमें देखना है जिसके पास ज़्यादा हाइड्रोजन है उसी के पास में आप हाइड्रोजन ऐड कर दो, दूसरे वाले के पास में आप X को भेज दो और सिंपली प्रोडक्ट बना दो। नेक्स्ट अगर अल्कीन ये है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH3 और इसमें आपको डालना है HI, यहाँ पर HX हो सकता है कुछ भी। तो आपको सिंपली इसमें क्या देखना है, एल्कीन, एल्कीन क्या होगा, यहाँ पर कार्बन है और एक यहाँ पर कार्बन है, इन दोनों कार्बन के बीच में ये रहा डबल बॉन्ड। तो एक दो तीन, तीन बॉन्ड तो ये हो गए इस कार्बन के, और एक किससे बनाया हुआ होगा, हाइड्रोजन से। इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, एक तो हो गया CH3 से, दो बॉन्ड यहाँ हो गए और एक बॉन्ड नीचे हो गया, तो इसके चार बॉन्ड हो गए। तो यानी इसके पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं होगा। तो इसके पास में एक हाइड्रोजन है, इसके पास में एक भी हाइड्रोजन नहीं है। तो जो पहले से ही अमीर है उसे और अमीर बना दो। तो ये हाइड्रोजन किसके पास में जाएगा, जिसके पास में पहले से ही ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो यानी इसके पास में H जाएगा और दूसरे के पास में I को लगा दो। तो ये बन जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर हम रिप्रेजेंट नहीं भी कर सकते हैं दोनों हाइड्रोजन को, जैसे हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट नहीं करा है।
तो बेसिकली यहाँ पर दो हाइड्रोजन लग जाएंगे, और यहाँ पर क्या था, एक तो था CH3 और यहाँ पर हमने किसे लगा दिया, आई को, तो ये हमारा हो गया प्रोडक्ट। ऐसे ही अगर आपको गिवन है CH3, CH डबल बॉन्ड कार्बन और इससे जुड़े हुए हैं दो CH3, और इसमें हमें डाला है HBr। तो जब भी आपको क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले आप देखो डबल बॉन्ड कहाँ पर है, ये रहा डबल बॉन्ड, तो उन दोनों कार्बन के ऊपर ध्यान देना है सिर्फ, ये रहे दो कार्बन। फिर आपको देखना है किस पे ज़्यादा हाइड्रोजन है, इस पे एक हाइड्रोजन है इस वाले कार्बन पे, और इस वाले कार्बन के चार बॉन्ड इन्हीं से बन रहे हैं, तो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, नो हाइड्रोजन। तो जिसके पास में ज़्यादा हाइड्रोजन है उसी के पास में हाइड्रोजन लगा दो, दूसरे वाले के पास में जाएगा Br, तो बन जाएगा CH3, CH2, CH3, CH3 और Br। तो इस तरीके से आप सीधा देखकर प्रोडक्ट बना सकते हो। तो सबसे पहले आपको देखना है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कहाँ पर है, फिर आपको देखना है नंबर ऑफ H, और फिर आपको लगाना है H और X। तो आपको सिंपली सिर्फ इतना याद रखना है, रिचर विल गेट रिचर एंड पुअर विल गेट पुअर। लेकिन मार्कोवनिकोव रूल से हमेशा राइट प्रोडक्ट पता नहीं चलता है। तो अगर आपको लगता है कि आपको ये मार्कोवनिकोव रूल की ट्रिक समझ में आ गई है तो सर आप ये क्वेश्चन करके दिखाइए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो इस तरीके से आप मार्कोवनिकोव रूल के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।